बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेटर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कॉलेज की जानिब से मैं हाजिर हूँ ज़ुल्फ़िकार अली। आज एक ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ नया। इसमें हम क्या करेंगे, टाइपिंग मैथमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग मैथ टाइप। आप कंप्यूटर में मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसे लिखेंगे और इसको MS वर्ड में कैसे ले जाएंगे ये देखेंगे। उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है मैथ टाइप, ये यूज़ करेंगे। और ये स्पेशली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ही है, क्योंकि उनको सारा कंप्यूटर काम करना पड़ता है। मैथमेटिक्स के तमाम तरह काम, तमाम तरह असाइनमेंट्स वो कंप्यूटर में ही बना के यानी कि MS वर्ड की फाइल में सबमिट करना होता है, तो मैथ टाइप आना उनको ज़रूरी है। तो तमाम तरह स्टूडेंट्स इसको गौर सुनें और पूरी वीडियो लाजिम देखें, और इस वीडियो को लाइक कर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करें, क्योंकि इस तरह के और छोटे मोटे ट्यूटोरियल्स में लाजिम टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा, तो और आपको उनके बारे में इतला मिल सके, इसलिए आप नोटिफिकेशन के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए सबसे पहले मैथ टाइप सॉफ्टवेयर एक है, इसको पहले इंस्टॉल करते हैं। कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं पहले ये देखते हैं। आप देखिए ज़रा, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, चंद मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। ये मैंने डबल क्लिक इंस्टॉलेशन पर क्लिक किया और ये इसका जो सेटअप जो है, आप जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आपके पास अगर कोई मैथमेटिक्स का कोर्स है तो वहाँ उसके डाउनलोड सेक्शन में ज़रूर दिया होगा, उसको वहाँ से देखें और डाउनलोड करें। और नहीं है तो फिर आप इसको गूगल से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल से सर्च करके। आई सेड रिकमेंड नेक्स्ट। क्या बोल रहे इसके अंदर, MS वर्ड और पावर पॉइंट मतलब खुले हुए, इसको क्लोज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनके साथ ये इंटीग्रेट करता है तो उस वक्त आपको से क्लोज होना चाहिए, तो इसलिए ये थोड़ा सा एरर दे रहा है। ये ट्राई अगेन कर लेते हैं, देखिए ज़रा अब ये आगे चल गया। अब क्या बोल रहा है, अभी आपने ट्रायल करना है, ट्रायल नहीं करना, फुल वर्जन करना है, तो उसको ये सिलेक्ट किया, तो इसके लिए मेरे पास की पड़ी हुई है, ये की है यहाँ पर, आपने की देनी है आपने इसमें, थोड़ा गायब हो जाता है कई बार। यहाँ इसको हमने क्या किया, ये प्रोडक्ट की दे दी, नेम कोई सा भी देते हैं, जैसे हमने दे दिया इसको नेम ज़ुल्फ़िकार अली, और ECIC ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं चेक कर देता हूँ। नेक्स्ट, इंस्टॉल पे क्लिक किया हुआ हमने ऑलरेडी, ओके किया हमने, यस किया, अब ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। अब देखिए ज़रा, मैथ टैब वाज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट द सेटअप, यानी बस मैथ टैब इंस्टॉल हो गया है। अभी देखिए ज़रा, जैसे कि कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जैसे कि पहले एक ये ले लेता हूँ मैं, ये इंटीग्रेशन ये ले लेता हूँ मैं, इस तरह के इक्वेशंस कैसे लिखें आप MS वर्ड में, MS वर्ड में या किसी और सॉफ्टवेयर में, अगर MS वर्ड किसी और में लिखते हैं तो MS वर्ड में कैसे लिखे जाएँ, तो इसके लिए बता रहा हूँ मैं। ये मैथ टैब मेरे पास यहाँ आ चुका है, सो क्लिक किया मैंने, ओके किया हमने। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे सबसे पहले देखो, इंटरफेस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप किसी बटन पर क्लिक करें, देखिए इसके अंदर और टूल्स सामने आ रहे हैं, जैसे यहाँ क्लिक करें, देखिए डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं आपको, प्लस माइनस ये डिफरेंट आ रहे हैं, तो ये एक दफ़ा इसको पूरे इस चीज़ को दोबारा देख लें, कौन सी चीज़ कहाँ दी हुई है, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप प्रैक्टिस में आएगा तो खुद बहुत आपको चीज़ याद हो जाएंगी, तो आपको मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। अब देखें ये जैसे ये है, थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को देख देख के कर सकूँ मैं। देखिए ज़रा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल से शुरू करता हूँ, मैं इक्वल से शुरू किया मैंने, ब्रैकेट चाहे तो आप कीबोर्ड से दे दें या फिर यहाँ से भी दे सकते हैं आप ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट आपके दिए हुए हैं, ये यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ जैसे भी दे सकते हैं, ए प्लस बी, यहाँ लिखा जी। अब ये कुछ गामा टाइप का सिंबल है, अब गामा सिंबल आपको तो ढूंढना पड़ेगा, खास ये यहाँ इधर दिया हुआ है, देखिए ज़रा ये इधर दिया हुआ है, ये वाला है, ये दे दिया हमने। अच्छा ब्रैकेट देखो यहाँ से दे सकते हैं, लेकिन जो कीबोर्ड से ब्रैकेट दे रहे हैं और इसके अंदर और स्पेसेस नहीं दे सकते, याद रखिएगा इसमें आप स्पेसेस नहीं दे सकते। इस ब्रैकेट में कीबोर्ड से टाइप करता हूँ, इसमें फ़र्क है, तो हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। क्या लिखा था इसके अंदर हमने, एक कॉमा बी, और इसके बाद क्या करना है, इक्वल साइन, वन प्लस गामा, जैसे आपको जब भी थोड़ी देर देखा था याद हो गया, हो जाएगा आपको इसी तरह से। अभी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रल यूज़ हुआ है, तो इंटीग्रल में क्या करता हूँ मैं, देखें इंटीग्रल दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं,
अब देख इंटीग्रल कई सारे दिए हुए हैं, इनमें एक देखें ज़रा, इनमें एक ऊपर वैल्यू छोटी सी वैल्यू और नीचे छोटी सी वैल्यू है, तो इनमें से इसको सिलेक्ट किया मैंने ताकि ऊपर और नीचे वैल्यू दे सके। तो मैंने यहाँ इधर क्लिक किया, यहाँ मैंने क्या लिखा है, इन्फिनिटी साइन देना है मैंने, और इन्फिनिटी साइन जो दिया होगा वहाँ से आपको कि डायरेक्टली यहाँ भी दिया हुआ देखो उन्होंने, और हो सकता है कि और यहाँ इधर भी मिल सकता था हमें ये, लेकिन जब बाहर दिया हुआ तो उसको मैंने वहीं से यूज़ कर लिया। और अब देखिए ज़रा ये आ गया, अब यहाँ लिखता हूँ डी पी या जो भी वर्ड है ये लिखा मैंने। अब ये देखिए ज़रा ये इस तरह कुछ चीज़ लिखी हुई है, तो मैंने सबसे पहले ब्रैकेट्स दिए इसके अंदर, मैंने ब्रैकेट से ये लगा लिए, ब्रैकेट हो गए। अब देखो ज़रा ये जो डिवाइडेड वाले या इस तरह की जो वैल्यूज हैं वो लिखा, यहाँ देख क्लिक किया, ये इस पर दे दिया मैंने। अब यहाँ पर जिस तरह लिखते हैं जी लिखा मैंने, और गा ये लिखा वर्ड लिखा से मैंने, ये आ गया ब्रैकेट पी कॉमा बी, ये आ गया इसमें। अब नीचे में पी माइनस ए, अब इसी तरह इससे आगे यहाँ पे इधर आ गया, माउस से क्लिक किया प्लस, अब दोबारा से इस तरह से यहाँ पे इसको मैंने दे दिया मैंने डिवीजन वाले जी, और ये गामा दे दिया मैंने, ए कॉमा बी, और पुटनम साइड पे क्या दिया मैंने, 1 प्लस पी। अब देखिए पूरा फॉर्मूला इस तरह पुट हो गया। अब इसको एम एस वर्ड में जाना है, तो यहाँ से पहले सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना पड़ेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलें, वर्ड खोलें, लेकिन जहन रखिएगा अगर आप वर्ड 2016 ले जाते हैं तो वहाँ पे थोड़े से इशूज रहेंगे आपको, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर इतना लेटेस्ट वर्जन ज़्यादातर नहीं होता, वो 2007 2003 2013 इस तरह का वर्जन होता है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जो बकाया जो इंग्लिश वर्ड ज़्यादातर वो यहाँ लिखे हैं, जैसे कि लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, अक्सर लिखते हैं पहले हम लोग, कंट्रोल वी से पेस्ट किया मैंने, वहाँ से कॉपी किया था मैंने उधर सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट किया करते, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ देखिए ज़रा एज वी नो, अक्सर हम इंग्लिश वर्ड्स लिखते हैं तो इंग्लिश वाले वर्ड सारे यहाँ लिखा करें आप, एज वी नो दैट यहाँ लिखें। अब इसके बाद अगर दूसरा कोई फॉर्मूला पुट करना है इसके नीचे तो वो कर सकते हैं। अब दूसरा फॉर एग्जाम्पल इससे मिलता जुलता लगाना है, इसको कॉपी किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल इसको कुछ सॉल्व करके कुछ चीज़ें हटानी थी या कुछ लगानी थी वो लगानी है आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको कंबाइन का लिखना था तो ये कंबाइन का लिख दिया मैंने, यहाँ हटाना था जो भी करना था, फॉर एग्जाम्पल ये हमने मतलब पूरा एक एक चीज़ दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत हो उसे उसको कॉपी पेस्ट करें तो सेम वाली चीज़ देखो वही आ सकती है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल से पेस्ट। अच्छा देखो यहाँ हमने फॉर एग्जाम्पल किया तो इसके दरम्यान में कोई इंग्लिश वर्ड चाहिए था इसलिए एक एक करके कॉपी किया मैंने, लेकिन अगर आप किसी वजह से चाहते हैं कि तुम एक साथ आ जाते तो आप एक साथ कॉपी कर सकते थे इसको, यूँ एक साथ सेलेक्ट करें कॉपी करें और जहाँ जिस जगह ऐड करना हो आपने वहाँ के कंट्रोल वी से पेस्ट करें, तो इस तरह इजीली देखो पेस्ट हो जाता है, ये कॉपी हो जाता है, ये देखने तरह आपके पास यहाँ आ चुका है ये। इसी तरह कई सारे और क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि तो ये थे इंटीग्रेशन टाइप के थे, इसी तरह मैं कुछ और चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप पास कोई है, ये तो हो गया इस तरह कुछ समेशन टाइप के, देखो ये नज़र आ रहे हैं आपको स्टैटिकल टाइप के, तो ये भी मौजूद है आपके पास यहाँ पे। मैं इसके लिए न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लिया, इसको फिलहाल कर देता हूँ मिनिमाइज। अब देखो ये भी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास, इक्वल टू करें, ये देखें सारे फॉर्मूले यहाँ मौजूद हैं आपके पास, ये मिसाल के तौर पर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जिसके ऊपर भी और नीचे भी वैल्यू है, यहाँ लिख दें n-1 और नीचे कुछ भी लिखना हो वो लिख दें, इन्फिनिटी या ज़ीरो कोई भी चीज़, यहाँ लिखा हमने जैसे हमने लिखा b प्लस id, यहाँ लिखा a, अब देखो a के ऊपर पावर i देनी है हमने इसको, देखिए ज़रा यहाँ पे यहाँ क्लिक करें, यहाँ नहीं इसके लिए नहीं है ये, पावर देने के लिए आप क्या करें ये यहाँ इधर आ जाए क्लिक करें, देखो ज़रा इसके ऊपर ये आ गया। तो अब मैंने क्या किया इसके ऊपर अपने आई लिखा हुआ जो लिखा हुआ ये दे दिया मैंने इक्वल टू बी, और यहाँ क्या कर देता हूँ दोबारा से ये साइन दे दिया मैंने ये वाला, या फिर लिखा n-1 और यहाँ पे r, यहाँ पे कुछ इस तरह लिखा हुआ 0 और प्लस d n-1 और इसी तरह यहाँ पे आई कल डिग्रो है जो भी है दे दी थी हमने, और यहाँ लिखा हमने आई ए, और उसके पावर जो ऊपर देनी है तो यहाँ लिखेंगे आई, कॉपी करनी है सेलेक्ट करें कॉपी करें लेकर आ जाएं अपन पेज के अंदर पेस्ट कर लें, देखिए आ गया। इसी तरह अगर आपने मैट्रिसेस टाइप की लिखनी है तो भी बड़ा आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। यहाँ आया मैं
फाइल पे न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ देखिए ज़रा, जैसे लिखना है हमने एक ए इक्वल टू मैट्रिसेस। अब देखिए मैट्रिसेस, सबसे पहले आपको मैट्रिसेस के आइकन ये सिंबल डालने पड़ेंगे, ये ब्रैकेट्स वाले हैं और स्ट्रेट लाइन वाले वो होते हैं। तो देखिए ज़रा, एक मैट्रिक ये है पॉसिबल, ये दे दिया मैंने, या फिर ये दे दिया हमने, और दोनों दोनों दो हो गया पॉसिबल, ये दे देता हूँ मैं। अब इसमें इस तरह कैसे लिखेंगे जो लिखे हुए हैं, तो देखिए ज़रा, ये पूरा ग्रिड दिया हुआ है इसमें, आपको थ्री का चाहिए, किस तरह चाहिए वो लिख सकते हैं इसमें, अपनी मर्जी का चाहिए। देखिए यहाँ दे रहा है, आप पूछ रहे कितने चाहिए रोज, कितने चाहिए मेरे, अगर थ्री कॉलम कितने चाहिए, थ्री अलाइनमेंट पूछ रहे, लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, ओके किया इसको हमने। यहाँ देखिए आ गया, ये वन वन टैप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट उसमें आ जाएगा, 0 1 1 या 1 1 1 जो भी लिख देता हूँ मैं टैप, उसके बाद टैप से देखा बाहर आ गया हम लोग उसमें, टैप टैप ये आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखना है हमें, जैसे लिखा मैंने सेमी कोलन बी इक्वल टू, अब दूसरा लिखना है तो सेम तरीके से ये भी होगा, यहाँ लिखें इसमें लिखें 3x3, ओके किया हमने, 2 0 0 1 1 2 1 1 3 या कोई भी चीज़ लिखें, इस तरह लिख सकते हैं आप, कॉपी करें और अपने जो भी जहाँ भी लगाना है वहाँ लगा दें। अब देखें ज़रा, इनको आप सेव करना चाह रहे हैं, सेव करें अच्छी बात है, बाद में एडिट करना पड़ सकता है आपको। सेव एज किया जैसे इसको मैंने, सेव एज प्रॉपर जगह पे करता हूँ, MTH1 सेव एक कर दिया इसको हमने, एक बार सेव हो चुका है, इस तरह बाकी में सेव करते जाएं। फाइल सेवेस MTH3, अच्छा ये तो कर लिया, ठीक है सेव हो गया, क्लोज कर दिया आपने, हो गया। अब बाद में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने फार्मूला जब रिचेक कर रहे हैं तो पता चला कि इसमें आपने कोई मिस्टेक की है, अब क्या करेंगे, दोबारा पूरा लिखेंगे, पूरा पूरा दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी जिस क्वेश्चन में मसला हो उसी के ऊपर डबल क्लिक करें, आप देखें ज़रा ऑटोमेटली आपका मैथ टैब ओपन हो जाएगा और ये वही फार्मूला जो जिस इक्वेशन को सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। अब इसमें जो भी चेंजिंग करनी है वो आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी ई या जो भी लिख दिया आपने, कंट्रोल एस सेव किया, यहाँ से कंट्रोल एस या फिर फाइल मार्क के कंट्रोल सेव पे क्लिक किया आपने, कंट्रोल एस ही करना पड़ेगा, यहाँ देखें आ जाए, यहाँ देखो ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। तो ये मैथ ऐप है, और मैथ ऐप को कैसे एम एस वर्ड में ले जाते हैं ये देखा आपने, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन क्या है इसमें प्रैक्टिस ज़रूरत है आपकी, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंबल्स ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना काम करेंगे। और आप लोग जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, वो स्पेशली अभी से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब असाइनमेंट आएगा उस वक्त आपको मौका नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने की, और जब एग्ज़ाम्स होंगे तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट काम करना पड़ेगा आपको, तो प्रैक्टिस अभी से जारी रखें ताकि आप इसके यूज टू हो जाएँ और उसको आपको मैथ टैप टॉपिक में कोई परेशानी ना हो। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाले लेक्चर्स के बारे में आपको थोड़ा इतला मिल सके। कुछ आपको रबते नंबर बता देता हूँ आपको मैं, आप देखें ज़रा, आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या फिर स्काइप भी करें, और जैसे बताया मैंने कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम डिफरेंट ट्यूटोरियल्स डिफरेंट वीडियोस रखूँगा मैं, और उसी तरह हमारे इस चैनल के अंदर और भी कई सारे वीडियोस हैं, जैसे कि एमएस वर्ड के, एमएस वर्ड भी ज़रूरी आना, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता तो वो लाजिम देखें, एक्सेल HTML वेब डिजाइनिंग वगैरह, तो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स तो HTML पढ़ना लाजिम है, जिन जिन के पास CS 101 है उनको HTML पढ़ना ज़रूरी है, तो HTML के लिए मैंने पूरे ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, इसी चैनल में मौजूद हैं, मैं इस अपने यूट्यूब के कवर्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा मैं, और आपको कमेंट कर सकते हैं, अगर यूट्यूब में कोई कमेंट देना चाहे दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहता है क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।